इतनी बड़ी भीड़ का प्यार मैं रखूंगा कहा मेरे हमदम मेरे दोस्त। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं, इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं, आज मैं हूं जहां कल कोई और था। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं, आज मैं जहां हूं कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। दोस्तों आज हम आपको बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना की उस रखेल के बारे में बताएंगे जिसने उनका सारा जीवन साथ निभाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि डिंपल कपाड़िया से शादी करने के बावजूद भी राजेश खन्ना अपनी इस रखेल के प्यार में इतने पागल थे कि वो उसके साथ लिव इन में रहने के लिए भी तैयार हो गए थे। राजेश खन्ना की ये रखेल उनका इतना ख्याल रखती थी कि राजेश खन्ना को कभी भी अपनी पत्नी डिंपल कपाड़िया की जरूरत महसूस नहीं हुई। वो राजेश खन्ना के साथ मिलकर हर वो काम करती थी जो एक पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है। आखिर कौन थी सुपरस्टार राजेश खन्ना की वो रखेल जो उन्हें अपने इशारे पर नचाती थी, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 1966 में डायरेक्टर चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले राजेश खन्ना ने तकरीबन 180 फिल्मों में काम किया था। राजेश खन्ना ने लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी हैं। राजेश खन्ना जैसा स्टारडम आज तक किसी को नसीब नहीं हुआ। आज भी राजेश खन्ना की फिल्मों और एक्टिंग की खूब चर्चाएं होती हैं। राजेश खन्ना अपनी फिल्मों की वजह से ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहते थे। राजेश खन्ना की दीवानगी लड़कियों के बीच किसी से छुपी नहीं है। लड़कियां खून से उनके लिए लव लेटर लिखा करती थी। दोस्तों अंजू महेंद्रू वो एक्ट्रेस है जो कि राजेश खन्ना का पहला प्यार या फिर कह लें कि पहली रखेल थी। बताया जाता है कि अंजू संग राजेश खन्ना 7 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे थे। काफी लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद भी राजेश खन्ना और अंजू के बीच दूरियां आ गई और दोनों अलग हो गए। अंजू महेंद्रू से अलग होने के बाद राजेश खन्ना का दिल एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया पर आया। जिस वक्त राजेश खन्ना को डिंपल से प्यार हुआ वो महज 16 साल की थी। वहीं काका 31 साल के थे। जब काका ने डिंपल कपाड़िया को शादी के लिए ऑफर किया तो उन्होंने भी शादी करने के प्रस्ताव को स्वीकार लिया। शादी के लिए डिंपल ने अपना करियर तक दांव पर लगा दिया था। राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से साल 1972 में शादी रचाई थी। राजेश खन्ना ने भले ही 16 साल छोटी डिंपल कपाड़िया से शादी कर अपना घर बसा लिया था लेकिन उनके अफेयर के किस्से कभी नहीं थमे। राजेश खन्ना का सबसे चर्चित अफेयर बॉलीवुड एक्ट्रेस टीना मुनीम से हुआ था। 1976 में देश परदेश से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली टीना का दिल राजेश खन्ना पर आ गया था। वहीं राजेश खन्ना भी टीना की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद दोनों नजदीक आ गए। कहा तो ये भी जाता है कि दोनों लिव इन में भी रहने लगे थे और यहां तक कि साथ रहने के दौरान दोनों एक टूथब्रश का इस्तेमाल करते थे। टीना जानती थी कि काका की शादी डिंपल कपाड़िया से हो चुकी है लेकिन वह राजेश खन्ना के प्रति अपनी दीवानगी को रोक नहीं पाई। काफी समय तक अफेयर में रहने के दौरान टीना ने राजेश खन्ना से शादी की इच्छा जाहिर की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेश खन्ना आनाकानी करते रहे और टीना के लिए इंतजार की घड़ियां लंबी होती चली गई। काका हर बार टीना को बहलाकर छोड़ देते थे कि वो डिंपल को तलाक देकर उनसे शादी कर लेंगे लेकिन टीना भांप चुकी थी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। टीना मुनीम का राजेश खन्ना के लिए प्यार इतना गहरा था कि वो इस बात को सोच चुकी थी कि राजेश खन्ना एक दिन उनसे शादी जरूर करेंगे लेकिन राजेश खन्ना की एक वादा खिलाफी के चलते टीना मुनीम ने उनसे ब्रेकअप का फैसला ले लिया। दोनों अलग हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब राजेश खन्ना और टीना मुनीम के बीच प्यार के फूल खिल रहे थे तब राजेश खन्ना पहले से शादीशुदा थे और डिंपल कपाड़िया के रिश्ते में दरार आने के बाद काका ने टीना मुनीम से वादा किया था कि वो डिंपल को तलाक देकर उनसे शादी कर लेंगे। टीना उनका इंतजार करती रही और समय बीतता रहा। टीना को एहसास हो चुका था कि राजेश खन्ना सारी जिंदगी उन्हें केवल अपनी रखेल बनाकर मन बहलाने का काम करेंगे। टीना जब समझ गई कि राजेश खन्ना को उनसे शादी करने में दिलचस्पी नहीं है तो उन्होंने राजेश से दूरियां बनाना शुरू कर दी और एक दिन उन्हें छोड़कर चली गई। कहा जाता है कि जब टीना उन्हें छोड़कर जा रही थी तो राजेश खन्ना उनके सामने गिड़गिड़ाए थे कि वे उन्हें छोड़कर ना जाए लेकिन टीना ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। आखिरकार दोनों का रिश्ता 1987 में खत्म हो गया था। राजेश खन्ना ने डिंपल से 1973 में शादी की थी। शादी के 1.5 साल बाद ही डिंपल ने बेटी ट्विंकल को दिसंबर 1974 में जन्म दिया। राजेश डिंपल ने कुछ समय तो अच्छा गुजारा लेकिन फिर दोनों में तकरार शुरू
शुरू हो गई। इसी बीच टीना राजेश की जिंदगी में आ गई। दोनों फिल्मों की आउटडोर शूटिंग में साथ जाने लगे और नजदीकियां बढ़ने लगी। डिंपल भी इन बातों से अनजान नहीं थी। कहा जाता है कि जब डिंपल ने 1984 में राजेश का घर छोड़ा था तो टीना मुनीम राजेश के साथ लिव इन में रहने उनके घर में शिफ्ट हो गई थी। राजेश खन्ना के एक इंटरव्यू में टीना और डिंपल कपाड़िया के बारे में अपनी दिल की बात कही। उन्होंने कहा कि डिंपल कपाड़िया ने मुझे कई जख्म दिए और टीना मुनीम ने डिंपल के दिए उन जख्मों पर मरहम लगाया। साल 2012 में राजेश खन्ना का निधन हो गया, लेकिन राजेश के आखिरी दिनों में डिंपल ने उनका साथ दिया। धीरे से एक समय वो भी आया जब राजेश खन्ना की पहली पत्नी अंजू महेंद्रू से डिंपल ने दोस्ती कर ली। दोनों ने मिलकर राजेश के आखिरी दिनों में राजेश का साथ दिया।